21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था थोड़ा सा नीचे हो गया। 21 तारीख को जो हमने सरकार को पत्र लिखा था उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं, पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है। गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं, वो मुकदमे सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेत का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि एक 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग यहां पर यथावत यथास्थिति बनाए रखेंगे।